हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। सो ये हम जो आपके साथ क्लिप शेयर कर रहे हैं ना, ये शाम की क्लिप है और यहाँ पर ना अच्छी खासी ठंड स्टार्ट हो गई है। लगभग 4:30 से 5 बजे के बीच का ये टाइम है और आप ये देखिए किस तरीके से ना एकदम बिल्कुल कम ही उजेला बचा है और बिल्कुल सनसेट होने ही वाला है। सो यहाँ पर हम आपको सनसेट दिखाते हैं। प्रॉपर सनसेट 4:30 से 5 बजे के लगभग हो जाता है और 5 बजे के बाद तो बिल्कुल अंधेरा ऐसे हो जाता है जैसे कि रात स्टार्ट हो गई हो। तो ठंड स्टार्ट हो गई है, इंडिया जाना है तो वहां की भी प्रिपरेशन साथ में चल रही है और घर के काम तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। तो सोचा कि चलिए आज आपके साथ एक प्रोडक्टिव डे का रूटीन पूरा शेयर करते हैं। सो जितना भी पॉसिबल हुआ हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो ये आपको हमने थोड़ा शाम का वेदर दिखा दिया और ठंड इतनी ज्यादा थी कि बस थोड़ी सी क्लिप ली और फिर लगा कि जल्दी से अंदर जाते हैं, क्योंकि अंदर तो इतने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि अच्छा खासा हीटर वगैरह चलता है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती अंदर, लेकिन बाहर तो काफी ठंड थी। तो चलिए अब आ जाते हैं बेडरूम में। सो ये है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग में एक्चुअली हमने शावर वगैरह ले लिया है, विष्णु सहस्त्रनाम करते हैं हम रोज, तो वो भी हमारा हो गया है और अब बस फटाफट से बेड सेट करना था क्योंकि बेड हमें एक्चुअली सारी बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी और यहाँ पर हमने सारी ये सब निकाल के दूसरी बेडशीट लगाई है। तो बस यही हमने सोचा कि थोड़े से पिलो कवर्स वगैरह सब डालने पड़ते हैं ना, तो पहले ही जल्दी जल्दी कर लो। तो आधा काम हम पहले करके गए थे शावर लेने से और आधा काम हम अब कर रहे हैं। तो पिलो कवर वगैरह सब हमने चेंज कर दिए थे और बस अब यहाँ पर फटाफट से बेडशीट चेंज कर रहे हैं। और बेडशीट वगैरह जो है ना वो हम हर महीने में एक बार वॉश करते हैं और जो ब्लैंकेट वगैरह हम लोग यूज करते हैं ना वो हर दूसरे या तीसरे महीने में हम वॉश करते हैं। तीसरे महीने में लगभग हम ब्लैंकेट वॉश करते हैं क्योंकि ब्लैंकेट हम लोगों को हर रोज ही लेते हैं हम लोग, ठंड हो तब भी लेते हैं और गर्मियां हो तब भी जो पतले वाले ब्लैंकेट होते हैं ना वो तो यूज होते ही हैं। सो हम हर तीसरे महीने लगभग ब्लैंकेट वॉश कर लेते हैं और जो बेडशीट वगैरह है, फिटेड सीट वगैरह है, ये सब हम हर महीने वॉश कर लेते हैं। और अगर बीच में लगा कि कभी कोई और प्रॉब्लम है या गंदा लग रहा है या एज होता है ना वाइट कलर, अगर आप सिर्फ व्हाइट कलर की बेडशीट लगा दो तो बच्चा है घर में गंदा हो ही जाता है। व्हेनेवर हम लोग ना बेड में तभी आते हैं जब बिल्कुल सोना होता है, अदरवाइज हम लोग बेड में नहीं आते हैं। तो इस वजह से अधिकतर हमारा जो बेडरूम है ना वो क्लीन ही रहता है। उसमें ऐसा नहीं होता कि बेडरूम सारे दिन गंदा है, क्योंकि हमने ना जब से हम अपने घर में शिफ्ट हुए, अपने घर में क्या हमारे घर में शुरू से ही जब से हम आए हैं तब से ये बेड पे बैठने की हमने आदत ना हमारी खुद की है और ना हमने घर में अपने बच्चे को भी त्रिशिका को भी आदत नहीं डाली कि सारा दिन बेड पे रहो या कुछ। तो इस तरीके से ना बेडरूम हमारे हमेशा क्लीन ही रहते हैं। सुबह बस एक बार फिक्स कर दो सारी चीजें और सारा दिन आराम। तो इस तरीके से ना चीजें अरेंज करना और चीजों को सही अपनी जगह पे रखना बहुत ही इजी हो जाता है और बार बार आपको ये एटलीस्ट ये बेड वगैरह नहीं सही करना पड़ता, क्योंकि एक बार कर दो और हैबिट में बार बार बेड पे आना नहीं हो तो इजीली चल जाता है, सारे दिन तो इजीली चल जाता है। फिर शाम को जरूर त्रिशिका कभी कभी नोटी हो जाती है तो आती है, जंप कर लेती है तो उतना चलता है, फिर शाम को तो सोना ही होता है। बट दिन भर ये सब चीजें ना नीट एंड क्लीन बनी रहती हैं। तो बस इस तरीके से ना थोड़ी सी डस्टिंग भी कर देते हैं कुछ कुछ दिन में, तो ऐसे ना रेगुलर करते रहो तो इकट्ठा काम नहीं दिखता, कि एकदम गंदा नहीं लगेगा और ये नहीं लगेगा कि अभी ये काम बिल्कुल करना ही है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। ये रात में हमने कुछ आयरन किए थे, कपड़े प्रेस किए थे, जैसा हमने बोला कि कपड़े धुलते हैं तो साथ साथ ही ना हम वही सोफे पे रखते हैं जिससे कि चीजें सामने रहेंगी ना तो हमें काम करने में इजी रहता है। अगर अंदर कहीं रखा जाए सामान तो फिर हमें ये होता है कि अब वहां से निकाल के ला के फिर प्रेस करना थोड़ा सा हैक्टिक लगता है। तो हम क्या करते हैं कि वॉश किए और देन फोल्ड करते हैं कपड़े, तो जो आयरन के कपड़े होते हैं ना वहीं पे ही रख देते हैं जिससे कि हमें ये बर्डन रहे कि अभी ये काम भी करना है और फटाफट से प्रेस का काम भी हो जाए, क्योंकि शाम को कभी टीवी वगैरह लगा लेते हैं ना तो वहीं पे ही हम प्रेस भी लगा लेते हैं तो साथ साथ दोनों काम हो जाते हैं।
और इससे ना काम बहुत ज्यादा लोड नहीं पड़ता। आई मीन कि ये नहीं है कि बहुत सारा हमने पाइल कर लिया कपड़ों का, बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली। हमें थोड़ा थोड़ा काम ही ऐसे हम करते हैं कि हमें ये लगे कि हमें फटाफट से फ्री होना है। तो हम क्या करते हैं कि जैसे कि हमने बताया, फोल्ड करते हुए ना वहीं पे रख लेते हैं जो आयरन के कपड़े होते हैं, तो साथ साथ ही हम आयरन भी एक आध दिन में करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब त्रिशिका के भी कपड़े हैं, त्रिशिका के पापा के भी कपड़े होते हैं, और जब कभी हम बाहर निकलते हैं तो हमारे भी सम टाइम हो जाते हैं। तो इस तरीके से कपड़े सभी के निकलते हैं, तो हम यूजली यही करते हैं कि वहीं रख लेते हैं, तो इजीली हमारा काम हो जाता है। और देखिए अब ये ना पूरा रूम ही टाइडी हो गया है, अच्छे से टाइडी अप कर दिया है, नीट एंड क्लीन हो गया है, सारे दिन के लिए ये रेडी है। और हमने अभी इसकी जो ब्लैंकेट है ना वो भी वॉश करने के लिए डाली है, और इस वजह से यहाँ पर अभी ब्लैंकेट हमने नहीं ऐड की है। तो बस अभी जो कपड़े हमारे एक बार के धुल गए हैं ना, उन कपड़ों को हमने सोचा कि ड्रायर में ऐड कर देते हैं, और जो वॉशर है उसमें अगेन कपड़े लोड करने हैं। सो बस ये बेडशीट वगैरह हमने एक बार का लोड लगाया था, सो बस उनको हमने ड्रायर में ऐड किया है। और साथ ही साथ हमारी दोनों मशीनें हैं, तो बस ये जो भी कपड़े हमें धोने हैं, ये देखिए ये एक और बेडशीट ऊपर वाले बेड की और नीचे वाले बेड की, दोनों की हम महीने में चेंज करते हैं, तो एक एक बार दोनों बेडों की अलग अलग बेडशीट वॉश कर लेते हैं। सो बस यहाँ पर एक वॉश के लिए लगा दिया है और एक ड्रायर में ड्राई के लिए लगा दिया है। अब हम आपके साथ ना विंटर स्पेशल गरम गरम उत्तपम की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। सो हमने जो अभी डोसे का बैटर बनाया था ना, आपने देखा होगा, देखिए कितना अच्छा बढ़िया फ्लफी सब बैटर बना है। यहाँ पर हमने कास्ट आयरन का तवा लिया है, उसको अच्छे से प्रॉपर ग्रीस कर लिया था थोड़ा सा ऑयल के साथ, और अच्छे से उसको गर्म करके फिर थोड़ा ठंडा करना होता है। इसके बाद आप थोड़ा मोटा मोटा सा ये जो बैटर है उसको स्प्रेड कर दें, देखिए बिल्कुल अच्छे से आराम से स्प्रेड हो जाएगा। और फिर इसमें टॉपिंग्स आप कोई भी ऐड कर सकते हो, इवन आप चीज भी ऐड कर सकते हो, आपके बिल्कुल मनपसंद की टॉपिंग आप यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस चीज में क्या है ना, थोड़ा सा उत्तपम मोटा बनता है और पलटना होता है, तो वो चीज ना बर्न ना हो जाए, तो इस तरीके से आप अपने हिसाब की टॉपिंग यूज करो। हमने यहाँ पर बहुत ही हल्का सा लाइटली ऑयल स्प्रेड कर दिया है, और हमने यहाँ पर टॉपिंग में ऐड किया है बहुत थोड़े से टमेटोज, थोड़ी सी अनियन, और इसके अलावा जो सोया होता है ना, ग्रीन सोया, हमने वो यूज किया है। सो हमने बस इस तरीके से ना, हमारे पास एक्चुअली कोरिएंडर लीव्स नहीं थी, अभी खाने पीने की चीजें भी ना हम बहुत लिमिटेड ही ला रहे हैं, क्योंकि इंडिया जाने का होता है ना तो सारी चीजें खत्म करनी होती हैं, तो बहुत ही लिमिटेड ला रहे हैं। तो जब एकदम खत्म हो जाती है और लगता है कि हाँ अभी चाहिए होगा, तभी हम मंगा रहे हैं, अदरवाइज हमने अब इकट्ठा लाना सामान थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इंडिया जाना होता है ना तो फिर एक महीने के लिए सारी चीजें बंद ही हो जाएंगी, तो सब खराब होंगी, तो हम बहुत लिमिटेड चीजों से ही अभी काम चलाते हैं, क्योंकि हम हमेशा से ही जब इंडिया जाते हैं ना तो सामान बहुत ज्यादा फिर नहीं लाते। तो हमारे पास एक्चुअली ग्रीन धनिया नहीं थी, आई मीन कोरिएंडर नहीं थी, तो हमारे पास सोया जो होती है ना पालक के साथ आती है या खाई जाती है वो थी, तो हमने थोड़ा सा ना उसको इंग्लिश में डिल लीव्स बोलते हैं, DILL है आई थिंक, डिल लीव्स बोलते हैं, तो वो थी हमारे पास, वो हमने ऐड की थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए, और उस सर्दियों में सोया खाया भी जाता है, काफी अच्छा होता है। तो उस तरीके से ना हमने वो ऐड कर लिया, और यहाँ पर ना पलट के सेक लिया, आप देखिए कितना अच्छे से निशान आया है, आई मीन अच्छे से सिक गया है। और हमने यहाँ पर इसके 4 पीस किए हैं जस्ट लाइक पिज्जा, और ये जो कटिंग है ना पिज्जा कटिंग, ये त्रिशिका को तो बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए हम हर चीज को ना ऐसे ही कट कर देते हैं। वो हर चीज खाती नहीं है, लेकिन देखने में वो खुश बहुत हो जाती है कि मम्मा ने फिर से पिज्जा बना दिया। सो इस तरीके से बस हमने इसको कट कर लिया है 4 पीसेस में, और थोड़ा सा और स्लाइटली इसको टर्न कर देंगे, और ये हमारे जो उत्पम है गरम गरम एकदम तैयार है।
विंटर में तो आप ये चीजें खाओ, आपको बहुत ही अच्छी लगती हैं। और इसमें 1-2 चम्मच ऑयल पड़ा है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बनके तैयार होते हैं। आप यही चीज ना सूजी के साथ भी बना सकते हो, बट ये प्रॉपर हमारे पास बैटर रखा था हमने, लास्ट जो अपना ब्लॉग शेयर किया था ना उसमें आपके आपके साथ शेयर किया था कि घर में आप कितना अच्छे से बढ़िया से बैटर बना सकते हो, उससे आप बहुत सारी चीजें बना सकते हो, जैसे कि हमने इडली बनाई थी और आज आपके साथ उत्पम की रेसिपी भी शेयर की है। फटाफट अगर बैटर हो ना तो फटाफट बन जाता है, आप कभी भी ये ना सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना के ट्राई कर सकते हो और खा सकते हो। तो जैसे हमने एक उत्पम बनाया वैसे ही हम आपके साथ एक और जल्दी से शेयर कर देते हैं कि अगेन हल्का सा ना तवे को बंद कर दो, गैस को बंद कर दो, आप हल्का सा जो स्किलेट है ना वो ठंडा होना चाहिए, एकदम गरम गरम पे ना फिर वो चिपक जाता है या फिर वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो थोड़ा सा आप स्किलेट को ठंडा करके देन फिर उस पर आप अपना बैटर स्प्रेड करें, देन इसके बाद अगेन आप थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करें और आप देखिए फटाफट से ना बन के फटाफट से तैयार हो जाएंगे। और अगेन हमने सेम टॉपिंग रखी है क्योंकि हमने इकट्ठा कट करके रख लिया था और हम चीज वगैरह थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं खाते हैं, और अगर आप खाते हो बहुत ज्यादा और आपको बहुत पसंद है तो डेफिनेटली आप ऐड कर सकते हो जैसा कि हमने पहले भी बोला। और बस हमने ये टॉपिंग्स ऐड की हैं और थोड़ा सा जैसे ही नीचे से अच्छे से कलर वगैरह आ जाएगा तो हम फिर इसको पलट देंगे। और सेम तरीके से हमने 4 पीसेस में इसको भी डिवाइड किया है क्योंकि जैसा हमने बताया त्रिशिका को बहुत पसंद आती है ये कटिंग, वो हर चीज नहीं खाती बट उसको पसंद बहुत आती है। तो यहाँ पर हमने इसको भी बढ़िया से ना पलट लिया और अच्छे से सिक गए थे ये और बहुत ही टेस्टी बने थे। और आप भी अपने घर में ना एक बैटर से काफी चीजें बना सकते हो, इवन आप जो अप्पे होते हैं ना वो भी इस बैटर से बना सकते हो, आप डोसे भी बना सकते हो, आप उत्तपम तो हम बनाना पता ही रहे, आप इडली भी बना सकते हो। तो एक बैटर से ना बहुत सारी चीजें बना सकते हो। और यहाँ पर ये हमारे जो उत्तपम है ना वो भी बढ़िया से बन के तैयार हो गए हैं। और बहुत जल्दबाजी में ना करें, अदरवाइज जैसे हमारा थोड़ा थोड़ा टूट रहा है ना वैसे आपका भी टूटेगा। सो ये देखिए ये प्रॉपर हमने ना प्लेट सर्व कर दी थी और आप इसे किसी भी तरीके की चटनी के साथ, केचप के साथ आप खा सकते हो। देखिए प्रॉपर सिका है और सब एकदम बढ़िया से गरम गरम सर्व कीजिए ठंड में और खाइए इसको। ये विंटर स्पेशल उत्पम आपको बहुत ही सिंपल और यूनिक लगेंगे और बिल्कुल पतले पतले हैं, बहुत मोटा हमने नहीं बनाया है। और आप इसे चटनी या केचप या किसी भी पेरी पेरी सॉस जो होता है उसके साथ भी सर्व कर सकते हो। हमने एक्चुअली ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया था बट त्रिशिका के चलते ना वो हाथ वहीं खड़ी थी तो हमने कहा कि भी यहाँ रखेंगे और वो हाथ जरूर लगा देगी। और अब हम अगेन आ गए हैं काम करने के लिए क्योंकि यहाँ त्रिशिका खेलती है इस वाले एरिया में, तो ये सारा दिन बहुत वो सारी चीजें फैलाती रहती है। तो हमने सोचा कि जो अभी अभी वो अपने पापा के साथ ऊपर ये सब खाने में मस्त थी तो हमने सोचा कि चलो जब तक हम ना यहाँ का जो भी क्लटर ये रखा हुआ है जमा किया हुआ है त्रिशिका ने वो सारा हम समेट दे, तो बस हमने सोचा कि वही फटाफट से क्लीनिंग कर दें। और आप वो सोफे पे ना सामने कपड़े देख रहे होंगे तो ये कपड़े ना हम इसी तरीके से रख देते, कि जो जब हम सारे कपड़ों को फोल्ड करते हैं ना तो जो कपड़े आयरन के होते हैं वो वहीं रख देते हैं, जैसे कि सामने रहेंगे तो हम फटाफट से ना काम करके निपटा देंगे। सो ये शाम को ना हम बैठेंगे अगेन और ये आयरन करके फ्री हो जाएंगे। सो ये सारे कपड़े हैं आयरन के और जो बाकी का सामान यहाँ पर फैला हुआ है वो हम सारा समेट देते हैं क्योंकि जो घर में अगर ज्यादा सामान फैला होता है ना वो कहीं से भी सामान लाके ना कहीं पे भी रख देती है तो बहुत सामान समेटना पड़ता है। और ऐसे में ना ये हैंड वैक्यूम जो होते हैं ना बहुत काम आते हैं। अभी त्रिशिका को हमने थोड़े से सेव वगैरह दिए थे खाने के लिए, रतलामी सेव वगैरह होते हैं ना ऐसे ही नायलॉन सेव होते हैं, बिल्कुल भी उनमें ना मिर्ची वगैरह नहीं होती, वो पूरी अमेरिकन है उसको बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाना होता है। तो नायलॉन जो सेव होते हैं ना वो उनमें मिर्च वगैरह स्पाइसी एकदम कम से कम उसमें होता है ना तो वो वही खाती है, तो वो दिए थे हमने तो उसने यहाँ पर वो सब गिरा दिया था कहीं कहीं। तो ये जो वैक्यूम है ना ये हैंड वैक्यूम ये बहुत काम आता है, अच्छे से अंदर से क्लीनिंग हो जाती है। सो हमें काफी जैसे सी जो स्टेयर्स वगैरह होती है ना
अगर उसमें कारपेट लगाए तो ये वैक्यूम काफी काम आता है, प्रॉपर क्लीनिंग हो जाती है। तो हमने ना गिराया तो उसने एक ही सोफे पर था, पर हमने सारा सोफा क्लीन कर दिया, अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दी। सो आपके साथ वही हम शेयर कर रहे हैं कि एक काम के साथ ना कितने सारे काम निकल आते हैं, और सारे काम इकट्ठे करते रहो ना तो क्लीनिंग बनी रहती है। आई मीन ये नहीं है कि कुछ छोड़ दिया कुछ कर दिया, तो हम प्रॉपर इसी तरीके से ना पूरा घर क्लीन करने की कोशिश करते हैं कि, और यहाँ पर हमने अपने जो रोबो है उसको भी चला दिया है, ये भी प्रॉपर अपनी क्लीनिंग कर रहा है, और जो हैंड वाली क्लीनिंग है वो हम कर रहे हैं। सो इस तरीके से ना प्रॉपर हमने पूरा सोफा ही साफ कर दिया, पूरे सोफे को ही डीप क्लीन कर दिया, और यहाँ पर हमारा रोबो जो है वो नीचे जो फ्लोर है और जो ये रग वगैरह है ये सब ये क्लीन कर देता है। सो बस इसी तरीके से अपने घर की पूरी क्लीनिंग वगैरह हमने कर ली है, और बस अब ये तो सारे काम हमेशा ऐसे ही चलते ही रहेंगे। तो हम अपना काम आगे कंटिन्यू करेंगे और आपके साथ फिर मिलेंगे दूसरे नए ब्लॉग में एक दिन बाद अगेन। और ये यहाँ तक ही था आज का ये वीडियो ब्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।